हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स अभी तक हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सप्रेशन, इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। कहा जा रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना है फ्रेंड। सो आइए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। चलिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 4p, q + r, ठीक है, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए कॉमा को हटा करके मल्टीप्लीकेशन साइन लगा लेना है, ठीक। चलिए लगाते हैं 4p, कॉमा की जगह मल्टीप्लाई। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्योंकि ये देखिए दो टर्म्स है ना, इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास दो टर्म्स आ रही है तो हम कॉमा के अंदर इन दोनों टर्म्स को रखेंगे, ठीक है। अभी तक हमारे पास एक टर्म रहती थी है ना, तो हम क्या करते थे डायरेक्ट ये ब्रैकेट नहीं लगाते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए दो टर्म आ रही है, ये एक्सप्रेशन में दो टर्म्स आ रही है, ठीक है, बाइनोमियल है, ओके। सो वी आर पुटिंग ब्रैकेट हेयर। नाउ इन थर्ड स्टेप फ्रेंड्स, देखिए बच्चों क्या करना है, 4p को हमें पहले q से एक बार मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी 4p को हमें r से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स डू मल्टीप्लीकेशन। सो देखिए q के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, ठीक है। तो पहले नंबर क्या है, q के साथ 1 है, ठीक। अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 4 1 4 करते हैं, 4 को यहाँ से करते हैं पहले, 4 1 4 4 आ गया। देखिए p और q को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये साथ साथ में लिख जाएंगे दोनों, ये लिख गया, मतलब हमने q से कंप्लीट कर लिया मल्टीप्लाई। अब बीच में साइन किसका है, प्लस का, हमने प्लस लगा दिया, ये रहा। अब 4p के p को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए r के साथ भी कोई नंबर कोई नहीं है ना, इसका मतलब 1 नंबर है, ठीक है। 4 1 4 4 हो गया, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एल्जेब्रिक फैक्टर का एल्जेब्रिक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो p का मल्टीप्लाई r से करेंगे तो क्या आ जाएगा, pr। और फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो गया। देखो बच्चों यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे ये 4 के साथ pq है और यहाँ पे 4 के साथ pr है, ठीक। यहाँ पे 4 के साथ pq है, यहाँ पे 4 के साथ pr है, तो यहाँ पे ये अनलाइक टर्म्स हैं दोनों। देखिए पीक्यू और पीआर दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो अलग अलग टर्म्स से मतलब अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स जो होती है वो आपस में कभी जुड़ती नहीं है, लेकिन हम इनके बीच से फ्रेंड हमारा आंसर तो ये आ गया, लेकिन अगर हम चाहें तो एक कॉमन निकाल के भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 दोनों के साथ में लगा हुआ है ना, तो 4 को बाहर निकाल लेते हैं। 4 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बचेगा pq + pr, ठीक है, ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए p को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि p भी दोनों के साथ लगा हुआ है, तो जो नंबर जो एल्जेब्रिक फैक्टर या जो नंबर दोनों टर्म्स के साथ आ रहा है उसे हम बाहर निकाल के कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम p को भी बाहर निकाल लेंगे ना, चलो p को भी निकाल के देखते हैं, 4 हम निकाल चुके हैं, p को निकाल लेते हैं बाहर, तो अगर इसके साथ p निकल गया तो देखिए q आ गया, प्लस इसके साथ p निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ r बचा, तो हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आ गए। देखिए हमारा क्वेश्चन भी यही था ना, कॉमन ले लेने से क्या मिला, हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ गए है ना, और हमें क्वेश्चन यही दिया गया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इनका कंबाइंड रूप हमें लेके आना था, जो हमारा ये आंसर में हमको मिल रहा है। अगर हम कॉमन लेंगे फ्रेंड्स तो हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इसलिए हमें आंसर अपना यहीं तक रखना है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, नो इश्यू, बट अगर आप ये भी करते हो तो आप वापस से अपने क्वेश्चन पे फिर से उसी क्वेश्चन पर आ जाओगे, ठीक है। चलिए अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देखिए ab, a-b, ab, a-b,
अब बच्चों देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें कॉमा की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन लगाना है। ए बी मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए यहाँ पे दो, एक इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स आ रही हैं, ये और ये। सबसे पहले ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर हमको ये लिख देना है, ठीक है। अब हम ए बी को ए से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है तो मतलब इसके साथ वन है, और इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ वन है। तो वन वन जा तो वन ही रहेगा, वन आप लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक है। वन वन जा वन ही रहेगा। तो अब देखिए हमको नंबर्स में क्या मिला, वन वन जा वन, चलिए लिख देते हैं, वन हमने लिख दिया, नंबर का हमें वन वन जा वन मिल गया। ए पर आइए, देखिए ए ये वाला और एक ये वाला। मैंने बताया था कि फ्रेंड्स मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो पावर ऐड होंगी, ठीक है, लाइक टर्म्स की पावर ऐड होंगी मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए कितने हो, एक पावर ये हो गई और एक ही एक पावर ये हो गई, तो कितनी ए बन गए, एक ही पावर टू, ये बन गया। अब बी कितना है, एक ही है इन दोनों के बीच में, एक ही बी है तो बी एक ही बार आएगा, ये हमको एक टर्म मिल गई। तो बीच में लगाइए माइनस, तो हमने देखी ए बी का मल्टीप्लाई पहले टर्म से कर दिया तो हमें क्या मिला, ये मिला। अब इस ए बी का मल्टीप्लाई हम दूसरी टर्म से करने जा रहे हैं, माइनस का साइन बीच में लगा दिया। और देखिए ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी, देखिए इसमें गिनी है, वन वन जा वन पहले आ गया, वन दोनों के साथ वन लगा है, मतलब कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन, तो वन वन जा वन लगा दिया। देखिए ए कितने, ए इन दोनों के बीच में, इसमें और इसमें एक ही ए है, एक बार ए लिख देंगे। अब बी कितने हो गए, बी की एक पावर ये हो गई और एक पावर ये हो गई, तो बी की पावर टू हो गई, क्योंकि बी की पावर टू हो। तो बच्चों यही हम, अब इसमें आप वन हटा दीजिए, चाहे लिख वन आप हटा भी सकते हैं नहीं भी हटा सकते हैं, लेकिन वन को लिखा नहीं जाता। तो हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर बी, क्योंकि ऑलरेडी ये अंडरस्टूड रहता है कि इनके साथ वन है, ठीक है, इसलिए वन को नहीं लिखा जाता, माइनस ए बी स्क्वायर। बच्चों ये हमारा हो गया आंसर। अगर आप इसमें से फिर कॉमन लेने लगेंगे फ्रेंड्स तो आप वापस से अपने क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो हम यहीं पे आंसर को खत्म करते हैं। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है ए प्लस बी, यहीं पे देख लेते हैं बच्चों। इसके थर्ड पार्ट कह रहा है, ये देखिए ए चलो बच्चों इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो ए प्लस बी कॉमा लगा हुआ है ना, तो ए प्लस बी हमने लिखा, कॉमा की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई से पहले भी हमारी दो टर्म्स आ गई ना, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो हम इसको भी ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। ये दूसरी टर्म हमारी क्या है, सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई के बाद जो दूसरी टर्म है वो एक ही टर्म है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लस या माइनस साइन यहाँ पे है नहीं, जिससे कि हम जिससे कि मतलब ये पता चल रहा हो इसमें दो टर्म है। अगर भाई दो टर्म इसमें होता तो यहाँ पे कोई प्लस या माइनस करके कोई नंबर लिखा होता ना, तब तो इसमें दो टर्म होती, तब हम क्या कॉमा लगाते। लेकिन यहाँ पे देखिए सब आपस में मल्टीप्लाईड है ना, तो ये मल्टीप्लाईड हो गया, एक टर्म बना रहे हैं, ठीक, एक ही टर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे नो नीड टू पुट ब्रैकेट हियर, ओनली यू हैव टू पुट ब्रैकेट इन दिस पार्ट बिकॉज देयर आर टू टर्म्स। नाउ मल्टीप्लाई दिस, देखो बच्चों कैसे करना है। अब यहाँ पे हमें रुको, मैं इसको रब कर देती हूँ, आप सब नोट कर लेना, यहाँ पे बताती हूँ। क्वेश्चन वन पार्ट थ्री, देखिए ए प्लस बी ब्रैकेट में लगाइए मल्टीप्लाइड बाय सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है बच्चों, इस बार हमें मल्टीप्लाई यहाँ से शुरू करना होगा, क्योंकि तो देखो ब्रैकेट के अंदर ये है और यहाँ पे दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमें इस वो जो सिंगल टर्म है ना उसको यहाँ पे इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। स्टार्ट करते हैं, तो सेवन को ए, पहले ए के साथ कुछ नहीं तो मतलब वन, तो सेवन वन जा हो गया सेवन। और देखो ए कितने हैं, इस टर्म में केवल ए है, तो ये वाला ऐड इसके साथ, इस वाले ए की पावर इस वाले ए की पावर के साथ ऐड हो जाएगी, इसका पावर वन और इसका पावर टू, तो कितनी पावर हो गई, थ्री, लिखेंगे ए की पावर थ्री।
अब बी स्क्वायर तो ऑलरेडी इस टर्म के साथ लगा हुआ था, है ना, तो बी स्क्वायर तो हम लगा ही देंगे, ये हो गया। अब बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन लगाइए। अब इस नंबर को हम बी से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, है ना, देखिए बी के साथ भी वन लगा हुआ है, तो 7 × 7, ठीक है, खाली बी है, तो यहाँ पे देखो बी की पावर कितनी है, 2, यहाँ पे बी की पावर हो गई 1, तो टोटल पावर कितनी हो गई, 2 और 1 3, तो बी की पावर हो गई 3। ए स्क्वायर तो ऑलरेडी लगा ही हुआ था इसके साथ, ए स्क्वायर हमने लगा दिया, तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं बच्चों इसके पार्ट नंबर 4 पे, पार्ट नंबर 4, 4 ये वाला कह रहा है, a² - 9 a² - 9, 4a, ये हमको दिया है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a² - 9, यहाँ पे देखो दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, फ्रेंड जो टर्म होती है ना वो प्लस माइनस के साइन से एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन साइन से वो अलग नहीं होती है, मल्टीप्लीकेशन साइन से तो देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं बच्चों a² × 9, है ना, तो ये मिल करके ना दोनों मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 9a², और ये एक ही टर्म का फॉर्मेशन करेगा, ये क्या हुआ, एक ही टर्म है हमारे पास, ये चीज ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी टर्म नहीं इंक्रीज होती, हमारी वो एक ही टर्म काउंट होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई वो सारा होके इकट्ठा मल्टीप्लाई होके आंसर आ गया, तो वो एक टर्म बन गया, है ना, टर्म हमारी डिफरेंशिएट होती है प्लस या माइनस साइन से। देखो इसी के बीच में अगर माइनस डाल देते हैं और 9 कर देते हैं, या इसी के बीच में हम प्लस कर देते हैं और 9 कर देते हैं, है ना, अब देखिए हमारी दो टर्म्स यहाँ पे बन गई, एक टर्म ये हो 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 गई, तो इससे ये बात प्रूव हो गई फ्रेंड्स कि जो साइन होते हैं प्लस और माइनस के, वो टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, टर्म को अलग अलग करते हैं, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन साइन जो होता है वो टर्म को अलग अलग नहीं करता, वो एक ही टर्म को बनाता है, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, तो हमने लिखा पहले a² - 9, अब फ्रेंड्स हम डालेंगे ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू टर्म्स है, डालेंगे मल्टीप्लाई 4a, ठीक है, कई कई बार बच्चों ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखो a² - 9 ब्रैकेट 4a, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर दो नंबर के बीच में ब्रैकेट आ रही है ना बच्चों, तो उसका मतलब ही होता है कि वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा भी सकते हैं, अदरवाइज नो नीड टू राइट मल्टीप्लीकेशन साइन इफ ब्रैकेट इज हेयर। तो चलिए हम करते हैं, अब क्या करेंगे बच्चों, पहले 4a को हमें मल्टीप्लाई करना है a से, ठीक है, देखिए 4 × 1 = 4 हो गया, a कितने हैं, a की पावर 1 और a की पावर 2, तो a की पावर हो गई 3, अब माइनस का साइन लगाइए बीच में, अब 4, अब देखिए यहाँ 4 है यहाँ पे 9 है, तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करिए, 4 × 9 = 36, ठीक, यहाँ पे एल्जेब्रिक फैक्टर तो कोई है नहीं, ए बी सी डी कुछ है नहीं, खाली 9 था, तो हमने 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ए है केवल ए, a की पावर 1, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए, अब बच्चों आप मुझे इसका पार्ट 5 होमवर्क के लिए मैं आपको दे रही हूँ, टेल मी इन कमेंट, ठीक है बच्चों, आप जरूर मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइए। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करवाऊंगी, सो थैंक यू फ्रेंड्स।